गुरुवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने अपर नगर आयुक्त से मुलाकात कर कर्मचारियों के साथ हो रही वेतन में कटौती को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारी नेताओं ने कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण को रोकने की मांग की। नगर निगम में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आउटसोर्सिंग पर लगे सफाई मित्रों के साथ वेतन में हो रही धांधलीबाजी को लेकर उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अपर नगर आयुक्त से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर सिंह ने बताया कि अग्रवाल एंड कंपनी द्वारा धांधलीबाजी और भ्रष्टाचार निगम के आउटसोर्सिंग सफाई मित्रों के साथ शोषण किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में कटौती करके लगभग 1452 रुपए मासिक एवं शहरी आजीविका केंद्र पर 2640 रुपए जमा कराए जा रहे हैं। इस तरह से अग्रवाल एंड कंपनी द्वारा गलत तरीके के विभाग को गुमराह करके सफाई कर्मचारियों का 1188 रुपए कम देकर उनका आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है। वहीं सिकंदर सिंह ने बताया कि अग्रवाल एंड कंपनी प्रतिमा सफाई कर्मचारियों को 30 दिन का वेतन 10,888 देती है, जबकि शहरी आजीविका केंद्र द्वारा प्रतिमाह 30 दिन का वेतन 10,996 रुपए दिए जाते हैं। इसमें भी अग्रवाल एंड कंपनी द्वारा 110 प्रतिमाह सफाई कर्मचारी को कम देकर उनके साथ छलावा किया जा रहा है। अग्रवाल एंड कंपनी द्वारा कर्मचारियों की ईपीएफ की धनराशि भी प्रतिमाह जमा नहीं कराई जा रही, बल्कि 2 से 3 माह के बाद ये धनराशि जमा कराई जाती है। ईपीएफ समय पर जमा कराने को लेकर भी उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मांग। आज हमने नगर आयुक्त जी की अनुपस्थिति में श्रीमान अपर नगर आयुक्त साहब को एक पत्र दिया है हम लोगों ने, क्योंकि बीते 31/8 को हमने एक पत्र दिया था जिसमें पीएफ को लेकर के जो घोटाला संगठन के संज्ञान में आया था उसकी शिकायत हमने लिखित शिकायत नगर आयुक्त महोदय को की थी, लेकिन संज्ञान में यह आया कि ठेकेदार के द्वारा गोलमोल जवाब दिया और हमें ना तो अधिकारी संतुष्ट कर पाए ना ठेकेदार। अभी तक हमें ये नहीं पता पड़ पा रहा है कि कर्मचारियों की समस्या का समाधान होगा कैसे, किस तरीके की समस्या आ रही है कर्मचारियों का जो पीएफ का घोटाला 1188 रुपए का सीधा खुला घोटाला है और हमारे पास उसके सबूत हैं, उन्हें सबूत सहित पेश किए। या तो अब हमने आज रिमाइंडर दिया है, अगर इस पर कार्रवाई होती है तो ठीक है, ये बहुत जल्द अधिकारियों को भी बता देंगे कि अब ये वो संगठन नहीं है जो अधिकारियों के आगे पीछे घूमते हैं, और इस ठेकेदार को भी एहसास करा देंगे कि ये बिकाऊ संगठन नहीं है और कर्मचारियों की लड़ाई अब जोर शोरों से लड़ी जाएगी। जिस प्रकार से नगर निगम की जो दुर्दशा नगर निगम में कर्मचारियों की हो रखी है, अब अधिकारियों के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि जितने भी कर्मचारी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं, सब बिकाऊ हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब मैं आपको बता दूं कि इनके भी दिमाग में बहुत जल्दी जो गंदगी भरी हुई है उसको साफ करने का समय है। आज हम लोगों ने रिमाइंडर दिया है, रिमाइंडर के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अब हम रिमाइंडर नहीं देंगे, अब इनको साफ करने का काम करेंगे कि गंदगी फैलाना अब इतना आसान नहीं है जितना कि यहाँ के अधिकारियों ने, ठेकेदारों ने और इनसे मिले हुए कर्मचारी नेताओं ने फैला रखी है। अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग के कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों के साथ हो रही कंपनी द्वारा घोटाले को लेकर एक ज्ञापन दिया गया, जिसकी विधिवत जांच कराने के बाद कार्यवाही की जाएगी और सफाई मित्रों के साथ किसी भी तरह का कोई शोषण नहीं होने दिया जाएगा। जी सर, अभी कुछ कर्मचारी नेता आपसे मिले, क्या संबंध, क्या मामला था? उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग कर्मचारी संघ आगरा तरफ से ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि जो अग्रवाल कंपनी आउटसोर्सिंग का जो कार्य देख रही है उनके द्वारा 110 रुपये कम दिया जा रहा है कर्मियों का मानदेय। इसके संबंध में हम लोग उसको जांच कर रहे हैं, किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी अगर जांच में अगर दोषी पाए। अभी पहले हम लोग ये देख लें कि वो किन कारणों से 110 रुपये की कटौती है। वही उनका कहना है कि पिछली बार भी ज्ञापन के माध्यम से आपको अवगत कराया गया लेकिन अभी तक मामला अधिकारियों ने संज्ञान में नहीं। पिछला ज्ञापन इनका यह आया था कि किसी कंपनी को न दिया जाए टेंडर, ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ई टेंडर प्रक्रिया के तहत अग्रवाल कंपनी आई है तो इसमें जो L1 है उसको हमें लेना ही है। हम ये नहीं कर सकते कि हम आउटसोर्सिंग के लिए कोई कंपनी नहीं है। उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर सिंह वाल्मीकि का कहना है कि पहले भी संगठन द्वारा निगम अधिकारियों को अग्रवाल एंड कंपनी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और शोषण को लेकर अवगत कराया गया है, लेकिन विभागीय अधिकारी ज्ञापन लेने के बाद उक्त प्राइवेट कंपनी पर कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं। आज संघ के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त की गैर मौजूदगी में अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर अवगत कराया है।
साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अगर निगम अधिकारियों द्वारा उक्त कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई और कर्मचारियों का शोषण नहीं रोका गया तो हमारा संगठन कर्मचारियों के हित के लिए हर हद को पार करने के लिए भी तैयार है। इसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर सिंह वाल्मीकि ने नगर निगम के कर्मचारियों नेताओं पर भी जमकर हमला बोला। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।